समझिए सबसे पहले आप लोग बिंदु माइनस तीन दस और छह माइनस आठ, समझिए ये हमारा बिंदु है तीन माइनस दस, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा बिंदु है छह माइनस आठ। छह माइनस आठ को जोड़ने वाला भाई, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस वन सिक्स, कोई बिंदु माइनस वन सिक्स है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं कि जो हमारा बिंदु माइनस वन सिक्स है यहां पर कहीं है, ये जो बिंदु माइनस वन सिक्स है इस रेखाखंड को, चलिए इस रेखाखंड का हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं बिंदु हमारा पी है या क्यू है, ठीक है। इस रेखाखंड पी क्यू को एम वन और एम टू के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा हमने मान लिया है। माना बिंदु माइनस वन सिक्स रेखाखंड पी क्यू को एम वन और एम टू के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, हमने इसको मान लिया है, हमें यही अनुपात बताना है। चलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। अब यहां से देखिए फॉर्मूला अब तक हम लोग कैसे पढ़े, हमने कैसे सीखा था, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ लीजिए कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स वन है, ये हमारा वाई वन है, ये हमारा एक्स टू है, ये हमारा क्या है वाई टू है। इतना आप लोग समझिए, अभी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं इसको समझिए। अब हमारा क्या होता था, जो x है, x बराबर होता था, क्या होता था, m1 x1 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या होता था, m1 यहां पर y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा होता है ना। अब देखिए हमें m1 और m2 निकालना है और हमें x y दिया गया है, चलिए x का मान क्या दिया, माइनस वन, तो यहां पर आपको माइनस वन रखना है, इज इक्वल टू m1 निकालना है। x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान है सिक्स, तो इंटू में सिक्स प्लस m2 का मान कितना है, आप लोग ध्यान से देखिए m2 में निकालना है, एक्स वन कितना है तीन है, अपॉन में लिखिए एम वन प्लस एम टू। अब हल कर लीजिए, देखिए इस एम वन एम टू को इधर भेजिए, यहां पर माइनस वन है, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू सिक्स को हमने एम वन से मल्टीप्लाई किया, सिक्स एम वन प्लस थ्री को एम टू से मल्टीप्लाई किया तो थ्री एम टू, और इसको हमने इस तरह भेज दिया है, माइनस वन से मल्टीप्लाई करिए तो यहां पर हो जाएगा माइनस एम वन, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम टू, ठीक है। अब आगे देखिए सिक्स एम वन प्लस थ्री एम टू, अब ध्यान से देखिए इस माइनस एम वन को आपने इधर भेजा, ए माइनस एम वन इधर आ गया, तो सिक्स एम वन और इसको आपने इधर भेजा ना, सिक्स एम वन प्लस एम वन प्लस इस माइनस एम टू को आप इधर भेजिए, थ्री एम टू है और एम टू इधर आया तो प्लस हो गया एम टू, यहां पर क्या बचा जीरो। सिक्स एम वन में हमने एम वन जोड़ा, हमारे पास सेवन एम वन आ गया, तीन एम टू प्लस एम टू कितना एम टू हो जाएगा, चार एम टू, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा स्टूडेंट आपको यहां पर ध्यान देना है, ये जो हमारा निर्देशांक है, ठीक है, ये क्या है, माइनस तीन, माइनस तीन और दस है, माइनस तीन दस है, तो यहां पर आपको माइनस तीन कर लेना है, ठीक है।
और यहाँ पर भी आपको माइनस तीन करना है, ठीक है। माइनस तीन को एम टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस होगा, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। आप इसको थोड़ा सा फिर से लिख लीजिए यहाँ से, देखिए सिक्स एम वन है ना, माइनस एम वन इधर आया हो जाएगा सेवन एम वन, इस माइनस थ्री एम टू को इधर लेकर के आए हो जाएगा प्लस थ्री एम टू माइनस एम टू, तीन एम टू में से हमने एम टू घटाया तो हमारे पास टू एम टू आ गया और यहां से सेवन एम वन। चलिए इस एम टू को आप इधर भेजिए, एम वन है एम टू यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ पर डिवाइड के साथ हो जाएगा, यहाँ पर टू है सेवन इधर आएगा टू अपॉन सेवन, तो एम वन और एम टू का जो अनुपात है लिख लीजिए, एम वन और एम टू का जो अनुपात है हमारे पास आ गया टू अनुपात सेवन, ठीक है। तो एम वन का मान आ गया है सात और एम टू का मान आ गया है, एम वन का मान है दो और एम टू का मान है सात। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमारा जो एम वन था एम टू था, हमने एम वन और एम टू का मान निकाल लिया है। अगर आप लोग इसको पकड़ करके करेंगे y को तब भी आपको m1 और m2 का मान मिल जाएगा और दोनों मान क्या होंगे सेम ही होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी आपको, आप यहाँ पर y2 y1 का मान रखिएगा, y का मान रखिएगा तब भी आपको m1 और m2 के मान मिल जाएंगे। तो लेकिन अतः बिंदु माइनस वन सिक्स रेखाखंड PQ को रेखाखंड PQ को दो अनुपात सात के अनुपात में